हाय दोस्तों, जैसा कि हम फाइनली निकल चुके हैं अभी फूलपुर से लखनऊ के लिए, तो भाई हम लोग फाइनली चल रहे हैं लखनऊ। आप लोग दोस्तों कंटिन्यू बने रहे वीडियो में, आपको यहां से लेकर लखनऊ तक का पूरा टूर दिखाएंगे। बहुत इंटरेस्टेड ब्लॉग होने वाला है दोस्तों, फाइनली वीडियो बने रही। जैसा कि दोस्तों हम लोग अभी जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो यहाँ पे माहौल टोल प्लाजा पड़ता है हमारा, वहाँ से हम चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, तो वहाँ जाते हैं। आप लोग वीडियो बने रहिए, सारी चीज़ दिखाएंगे, यहाँ रुक रहे हैं, कहाँ क्या खा रहे हैं, क्या प्राइस लखनऊ से लेकर यहाँ तक टूल क्या हमारा है, सारी चीज़ आपको बताएंगे, सारी डिटेल आपको देंगे। बस आप वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए देखिए, हम लोग अभी ये फूलपुर खुरासो रास्ता जो गया खुरासो वाला मानपुर वाला, उसी रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। आगे से ही टूल प्लाजा पड़ेगा हमारा, तो वहाँ चढ़ जाएंगे हम लोग। देखो दोस्तों, फाइनली हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे साइड में रोड गए, सर्विस रोड जिसे बोलते हैं, ये वाला आगे टोल प्लाजा को दिख रहा है, हम लोग नज़दीक आ गए। बस वहाँ थोड़ा टाइम वेट करेंगे किसी का, फिर आगे बढ़ते हैं, चढ़ते हैं। टोल प्लाजा सामने दिख रहा है, हम लोग इस साइड चढ़ेंगे क्योंकि ये आने वाला है, जाने वाला उधर से, उस साइड से। ये सीधा रास्ता माहौल चला गया है, ये वाला सीधा, इधर से आप फूलपुर चले जाएंगे, इधर से भी जा सकते हैं सीधा। तो हम यहाँ पे देखिए टोल प्लाजा की तरफ घूमेंगे, अभी थोड़ा वेट करते हैं कुछ टाइम तक। हाँ फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग लखनऊ के लिए, अभी एक्सप्रेसवे पे हैं, टोल प्लाजा क्रॉस करके आगे जा रहे हैं। करीब करीब 1 आवर हम यहाँ रुके थे कुछ काम के लिए, आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों कंटिन्यू वीडियो बने रही है, आप लोग आपको इन तक का ब्लॉग पूरा दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग रुकेंगे नहीं यहाँ पे, जितने भी कैंटीन पड़ेगी रास्ते में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, हम लोग को लखनऊ एयरपोर्ट जाना है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट होगा पहुँचने में, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम सीधा जा रहे हैं, तो माफ़ी दोस्तों। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ चौधरी चरण सिंह। ये देखिए भाई, ओवर ब्रिज से हम जा रहे डायरेक्ट एयरपोर्ट में अंदर चले जाएंगे, ये रहा रास्ता हमारा। हम नीचे से भी जा सकते हैं वैसे, लेकिन दूसरा रास्ता ये भी हमारा है। तो दोस्तों किस तरह देखिए बन गया बढ़िया, समस्त लोकेशन यहाँ का है। अब सीधा एयरपोर्ट पे जाएंगे, वहाँ पे रिसीव करेंगे जाके, उसके बाद बातचीत करते हैं दोस्तों। वीडियो में बाकी कुछ मिलता है रास्ते दिखाती है। देखिए बहुत अच्छा सा लगा हुआ सामने, देखो कितना प्यारा लग रहा है लखनऊ का। ये देखो भाई क्या लोकेशन है, देख लो भाई, ये देखो एयरपोर्ट की लोकेशन कैसा लगा दोस्तों। अच्छा लग रहा है ना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है। ये देखो प्रस्थान, जाना आने, ये जाने का रास्ता, ये वाला आने का था जब हम आए हैं। ये देखो भाई कुछ चेकिंग कर रहे हैं, ये लोग सब खड़े हैं यहाँ पे। देखो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अंदर एयरपोर्ट में, अभी यहाँ खड़े हैं, सीधे जाएंगे। ये देखो और ब्रिज भाई अंदर तक चली गई, ये लग रहा है काफ़ी अच्छा बना दिया यार। ये मेट्रो है क्या लग रहा है यहाँ की? नहीं नहीं, और ब्रिज ही भाई, मेट्रो नहीं है। ये देखो भाई नया वाला, नया टर्मिनल 3 देखो भाई बन गया आगे, अभी नया बना है जल्दी, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है भाई, काफ़ी बड़ा भी है। अब यहाँ पहले ठीक भैया खड़े हैं, ठीक है तो इंटरनेशनल वाला, अब ये 3 यहाँ बन चुका है, तो हम चल रहे हैं आगे, देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पार्किंग चार्ज भी लगता है, तो चार्ज हम दे के पार्किंग लगाएंगे अपनी गाड़ी, फिर वेट करते हैं। फ्लाइट अभी 11 बजे राउंड आएगी दोस्तों, तो फ्लाइट का वेट करते हैं हम। अभी तो हम पहले ही पहुँच गए हैं वैसे, 10 बज के, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं, वेट कर लेंगे उनका, उसके बाद फिर आएंगे बाहर। दोस्तों कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे ड्राइवर जी हैं, काफी खतरनाक गाड़ी चलाते हैं। चलना अच्छा ही। ये देखिए भाई एयरपोर्ट है हमारा, इधर से उधर करो, उधर करो, बैक करो गाड़ी भाई। टर्मिनल इनको पता ही नहीं, देखिए कितनी बार आ चुके हैं एयरपोर्ट, पता ही नहीं इनको कहाँ जाना है भाई। अरे टर्मिनल 3 अभी इधर है, उधर क्यों भाग रहे भाई? चलो इधर चलो, देखो भाई को टर्मिनल 3 इधर से जाते हो, सामने लिखा हुआ देखिए वहाँ पे, वहाँ टर्मिनल 3 जाएंगे हम। काफी अच्छा बन गया लखनऊ यार, पहले इतना बढ़िया नहीं था यहाँ का एयरपोर्ट, काफी अच्छा हो गया। देखिए सामने दिख रहा है, ये नया वाला है, इसके बाद भी बिल्कुल नया आगे बन चुका है, ये वाला पुराना वाला इसके आगे एक और बना है। हमारी पर्ची निकल चुकी है यहाँ पे अभी, ठीक है, ये हंस रहे हैं, इनको पर्ची निकालना नहीं आता अभी। बताइए भाई कैसे काम चलेगा? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम्हारा जलवा चल रहा लखनऊ, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखो भाई काफी यार सुविधा यहाँ पे हो गई यार, पहले इतना बढ़िया नहीं था। अब तो पुराना वाला ये था इंटरनेशनल, अब ये इंटरनेशनल, इसमें फ्लाइट आती है टर्मिनल 3, इसके आगे उधर भी है। ये देखो भाई
काफी चेंज कर दिया तो भाई समझ में नहीं आ रहा कहाँ गाड़ी बैग गलत ले नया वाला भी बना है फिलहाल बहुत बेहतरीन बन रहा है भाई। ऊपर मेट्रो की सुविधा भी दे दी गई है, पहले नहीं थी अब दे दी गई है मेट्रो सुविधा काफी बेहतरीन। ये को वहां से लेके यहाँ तक बना टर्मिनल 3 नया वाला बना अभी। गाड़ी कहाँ लगाई? पार्किंग लगाओ यार, गाड़ी लगा तो पार्किंग पूछ के एक बार यही पे लगाओ, पार्किंग लगाना पड़ेगा भाई। टर्मिनल 3 पे हम लोग का दोस्तों काफी कटपीट करना पड़ रहा है वीडियो अभी हमें। इसके बाद फाइनली भाई पहुंच गए, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि भाई नया बन गया अभी ये, क्योंकि टाइम थी फर्स्ट टाइम अभी आ रहे हैं, पहले हम आते थे पुराने वाले पिंडन, मतलब इसी फ्लाइट इसी पे आ रही है। तो चलते हैं बाहर, गाड़ी पार्किंग लगानी अपनी, निकलते हैं देखते हैं क्या सिस्टम आ रहा है, ठीक है फिर बात करते हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ का टर्मिनल 3 है, ये देखो पूरा है, यहाँ पे गाड़ी लगा अपनी पार्किंग, आगे पर्ची कटती उधर से अपनी ऑटोमेटिक मशीन लगी है वहाँ पे कट करके लाकर यहाँ खड़ी कर दो, आराम से वेट करो जैसे निकलेंगे रिसीव करके बैठाओ सीधे निकल जाओ घर की तरफ भाई। काफ़ी आसानी काफ़ी ईजी हो चुका है पहले से ज़्यादा, ये अच्छा लगता है जब तरक्की होती है तो अपने लखनऊ में खास करके तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो इसी तरह ये तो काफ़ी अच्छा बन चुका है, पहले 2-3 हो गया, मेट्रो की सुविधा भी आ गई, आप सीधे मेट्रो निकल जाओ यहीं से भाई। अभी यहाँ पे एग्जिट पे हम वहाँ पे खड़े थे तो वहाँ पे क्या है कि बस 5 मिनट ही रुक सकते हो आप, फिर पार्किंग ला के यहाँ लगा दिया गाड़ी, अब जा रहे हैं पैदल ही देखते हैं यार। 11:40 की फ़्लाइट है, वैसे 10:40 की टाइम थी लेकिन 11:40 की दिखा रहा है, पर कोई ना चलते हैं आगे देखते हैं। वैसे सुविधा है अगर वहाँ से आप ट्राली बैग ला के यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सामान लेकर। ये देखो भाई हमारा नया वाला एयरपोर्ट है टर्मिनल 3, देखो भाई काफ़ी बेहतरीन बन गया यार, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखते हैं। ये देखो भाई यार नया वाला एयरपोर्ट किस तरह लग रहा है इधर, चलते हैं आगे देखते भाई। लेकिन यहाँ बहुत बहुत मारी मारा है, अच्छी सुविधा के साथ साथ यहाँ पैसा लूटा भी जा रहा है खतरनाक तरीके से, ठीक है पार्किंग के सारे लूटा जा रहा है पैसा यहाँ पर बढ़िया से एकदम खतरनाक तरीके से। हाँ अच्छा लुटाई मची भाई यहाँ प्राइवेट जगह लुटाई का जब मची है, भले अच्छी सुविधा लेकिन लुटाई मचा रखे हैं एकदम खतरनाक तरीके से, देखते हैं अंदर चल के। नया वाला एयरपोर्ट यही है, ठीक है भाई गजब बना है भाई। ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, काफ़ी सुविधा यहाँ पे हो गई है। हाँ मस्त लग रहा है यार ये तो एयरपोर्ट यहाँ का नया वाला। चलो भाई कम से कम लखनऊ भी अच्छा एयरपोर्ट बन चुका है फाइनली, काफ़ी अभी तो मशीनें सब यहाँ रखी हुई है आके। इधर से हम लोग हटा दिया गया था, आगे से हम लोग गाड़ी पार्किंग आगे लगा दिए, फिर इस तरफ से हम लोग आए थे। ये नया वाला एयरपोर्ट है भाई देख लो ध्यान से, ठीक है टर्मिनल 3 लखनऊ एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह, ठीक है काफ़ी अच्छा बन गया है। गेट नंबर 1-2 दो ही गेट है यहाँ पे 1-2, ठीक है आगे चल रहे हैं भाई, वेट कर रहे हैं अभी तक आए नहीं भाई, हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम लोग ऐसे वीडियो बना रहे थे फोटो तो खींच रहे थे, देखते कितने टाइम आता है, मुझे लगता फ्लाइट और ज़्यादा लेट हो जाएगी, पर कोई ना वेट करते हैं, रिसीव करना है तो रिसीव करना ही पड़ेगा। सैफ और राइट चलो साइड में खड़े दोस्तों फाइनली वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं हैं, 12 बजने वाला काफ़ी ज़्यादा लेट फ्लाइट थी। ये देखो अभी सब लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे यहाँ से 2 नंबर से, इधर जा रहे हैं हम लोग, काफ़ी लोग यहाँ वेट कर रहे हैं इधर दोनों तरफ, वेट करते हैं देखते हैं कितने टाइम में आ जाएंगे, तो वेट करते हैं थोड़ा टाइम पर। ओके हमारा अब्बू भी हमारे आ गए, अम्मी भी आ गई हैं और चल रहे हैं सामान रख के अंदर। ये देखो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं इधर बैठ रहे हैं गाड़ी में भी, चलो बैठो चलो बैठो। हाँ दोस्तों फाइनली हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट से आजमगढ़ के लिए, मैं वाला बताना भूल गया था, हमारा वहाँ टोल प्लाजा जो लगता है एक्सप्रेस वे पे, आजमगढ़ जो एक्सप्रेस वे लखनऊ के लिए 500 रुपया लगता है, 24 आवर के अंदर वापिस जाते हैं तो 500 रुपया आपका लगेगा, उससे पहले आपको वापिस जाना पड़ेगा आजमगढ़ के लिए। बाकी हम रुकेंगे नहीं कहीं, वो लोग और भी आएगा आगे तो वहाँ रुकना नहीं है भाई हमें, बस थोड़े बहुत सामान यहाँ लेने थे ले चुके हैं, निकल चुके खाना खाएंगे भाई उसके बाद सीधा घर के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि हमने अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी लुलू मॉल से निकल चुके हैं, वहाँ की वीडियो नहीं बनाया, बहुत बार लुलू मॉल की वीडियो बना चुका हूँ। हम लोग रास्ते में जा रहे थे हेमा मोह की तरफ, तो थोड़ा भाई गाड़ी सही करवा दूँ। हाँ भाई आगे बढ़ाओ, बस 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 भाई गाड़ी थोड़ा पार्किंग सही नहीं लगी थी इसलिए लगा दिए। ये देखिए भाई सैनिक ढाबा है, यहीं पे रुक रहे हम लोग, चल रहे हैं खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत भूख लगी सुबह से, बस कुछ खाया पिए नहीं थे, खाना खाते हैं फिर बातचीत करते हैं आप लोग से।
था। ये देखो कुछ इस तरह भीड़ भाई, प्राइवेट बगल में है तो वहाँ खाना मम्मी खा रही है हमारी बैठ के, मम्मी पापा छोटा भाई से बैठा वहाँ पे और हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे चाचू जी हमारे भैया जी इधर बैठे हैं। तो भाई अभी लाइट भी नहीं थी, लाइट कट गई तभी ए सी ऑन हो गई यहाँ के, तो ठीक है काफ़ी गर्म इससे पहले हो रहा था। भाई खाते हैं फिर बातचीत करते हैं। तो कभी मंगाए थे प्याज, पानी दो मंगाए थे गिलास आया था, ठीक है। बाकी पनीर आ रही है हमारी, रोटी आ रही है, देखते हैं अगर कुछ मंगाना हो और मंगा लेंगे बाकी। खाना ये देखिए, इनका मन नहीं भरा, अभी दोबारा एक कोल्ड ड्रिंक ले लिए हैं। क्या भैया मन नहीं भर रहा आपका, बताइए नहीं भर रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए बिलू ला गई भाई, ठीक है जा रहे पेमेंट करने। ये रहा हमारा होटल जहां हम लोग खाना खाए हैं, ब्रस की रसोई नाम से। ये देखो हमारा है अहमा मोक्त रास्ता का सीधा, हम चल रहे हैं अभी, ठीक है भाई। हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, घूम रही है, क्या दिक्कत आई देखो भाई, क्यों दिक्कत आ रहा है, गाड़ी वहाँ आप खड़ी कर दो। हाँ भाई गाड़ी खड़ी हो गई, बस अभी सैफ अंदर गया है तो आ रहे हैं, उसके बाद चलते हैं।